नमस्कार, निटिंग एंड क्रोशे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एजेंट स्वेटर का यह डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। इसे आप हाफ स्वेटर में डाल सकते हैं। ये 4-ply ऊन है, इसे आप 10 नंबर की सिलाई पे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए ये पहला फंदा सीधा हम उतार लेंगे, इसके बाद धागा आगे करेंगे और ये 4 फंदा उल्टा बुनेंगे। ये 4 फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे और ये 2 फंदा को एक साथ हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और ये 1 सीधा फंदा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदा को उतार लेंगे, इसे सीधा बुनेंगे और इसे इस तरह से इस फंदा को गिरा देंगे, धागा आगे करेंगे, उसके बाद 7 उल्टा फंदा बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे, फिर 2 फंदा को मिला करके 1 सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, 1 सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, इस फंदा को उतार लेंगे और 1 सीधा फंदा बुनेंगे, उसके बाद इस फंदे को गिरा देंगे। धागा आगे करेंगे, फिर हम 7 फंदा उल्टा बुनेंगे, इसी तरह ये पूरी सिलाई हम बनाएंगे। यहाँ किनारे में मेरे पास ये 5 फंदा बचता है, तो ये 4 फंदा हम उल्टा बुने, उसके बाद ये आखिरी का फंदा सीधा बुनेंगे। उल्टे तरफ से हर सिलाई में उल्टा ही बुनेंगे। ये तीसरी सिलाई है, तीसरी सिलाई में फिर हम ये किनारे का फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, ये 3 फंदा उल्टा अब बुनेंगे। पिछली सिलाई में हम 4 फंदा उल्टा बुने थे, ये तीसरी सिलाई है, इसमें हम 3 फंदा उल्टा बुनेंगे और ये 1 उल्टा फंदा और ये 1 सीधा, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। अब हम धागा पीछे करेंगे, इन दोनों फंदा को अब हम एक साथ सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे। अब ये जाली वाला फंदा हमेशा इसके पहले ही हम धागा आगे करके जाली बनाएंगे, ये 3 फंदा हम बुनेंगे। ये देखिए, ये जाली वाला फंदा है, इसके बाद फिर हम धागा आगे करेंगे, इस फंदा को उतार लेंगे, इसे सीधा बुनेंगे और इसके बाद इसे इस तरह से गिरा देंगे पहले वाले फंदे को। यहाँ भी ये 2 फंदा मेरा कम हो जा रहा है, इसके बाद धागा आगे करेंगे। अब यहाँ हम बीच में 5 उल्टा फंदा बुनेंगे, ये 5 उल्टा फंदा है, धागा पीछे करेंगे, फिर उसी तरह इन दोनों फंदा को मिला करके 1 सीधा फंदा, धागा आगे, 3 सीधा फंदा, धागा आगे, इस फंदा को इस तरह से उतारेंगे, 1 सीधा फंदा बुनेंगे, उसके बाद पहले वाले फंदे को गिरा देंगे, धागा आगे, अब ये 3 उल्टा फंदा बुनेंगे। ये किनारे का फंदा सीधा बुन लेंगे। चौथी सिलाई, उल्टे तरफ से हर सिलाई में हम उल्टा ही बुनेंगे। पांचवी सिलाई में किनारे का फंदा सीधा, फिर अब हम 2 फंदा उल्टा बुनेंगे।
धागा पीछे करेंगे, इन दोनों फंदा को मिला करके एक सीधा फंदा, धागा आगे, फिर ये बीच में अब पांच सीधा फंदा हो गया, धागा आगे, इस फंदा को उतार लेंगे, एक सीधा फंदा बुनेंगे और इस तरह से इसको गिरा देंगे। इसके बाद तीन उल्टा फंदा, इसी तरह ये पूरी सिलाई हम बनाएंगे। नेक्स्ट सिलाई में फिर उसी तरह देखिए, ये अब एक उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, दोनों फंदा को मिला करके एक सीधा फंदा, धागा आगे, अब हम सात सीधा फंदा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, इस फंदा को उतारेंगे, एक सीधा फंदा इस तरह से इस फंदा को गिरा देंगे, अब एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, इन दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा, धागा आगे, इसी तरह ये पूरी सिलाई हम बना लेंगे। ये नौवीं सिलाई है, नौवीं सिलाई में हम ये एक उल्टा फंदा है, इसे हम वैसे ही बुन लेंगे उल्टा, उसके बाद इस फंदा को सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हम ये एक दो तीन चार और ये पांच फंदा सीधा बुनेंगे। ये देखिए ये बीच का फंदा है, ये पांच फंदा हम सीधा बुन लिए। उसके बाद जो ये जाली बनाए थे उसमें हम सिलाई को इस तरह से डालेंगे और ये फंदा निकाल लेंगे। उसके बाद इस फंदा को इस बाएं हाथ की सिलाई पर डालेंगे और इसे एक सीधा फंदा बुन लेंगे। फिर ये दूसरा जाली है, इसमें भी इसको डालेंगे सिलाई को, ये फंदा निकाल लेंगे, इसको इस सिलाई पे बाएं हाथ की सिलाई पर डालेंगे और ये एक सीधा फंदा बुनेंगे। इसी तरह इन सभी जाली में, ये तीन, ये तीसरा जाली है, इसमें सिलाई डालेंगे, ये फंदा निकालने के बाद एक सीधा फंदा बुनेंगे। इस तरह ये चार जाली हो गया। अब ये बीच का फंदा है, इसे हम पहले बुन लेंगे सीधा, उसके बाद फिर ये इस जाली में फंदा निकालेंगे और ये सीधा बुन लेंगे। इसी तरह ये सभी जाली में सिलाई डाल करके उसी तरह से बुन लेंगे। इस तरह अब हमारे पास ये नौ फंदा एक्स्ट्रा हो गया। अब हम इसे घुमा लेंगे और इन नौ फंदा को एक साथ चार पाँच छः सात आठ और ये नौ, इन नौ फंदा को एक साथ एक उल्टा फंदा बुनेंगे। फिर इसे हम इस सिलाई पर, ये एक उल्टा फंदा बुनने के बाद इसे हम घुमा लेंगे और इस फंदा को फिर से हम सीधा बुनेंगे। फंदा थोड़ा टाइट रखेंगे। उसके बाद एक दो तीन चार और ये पांच फंदा सीधा है, ये सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करके ये एक उल्टा फंदा, फिर धागा पीछे करेंगे एक सीधा फंदा, फिर उसी तरह इस सीधा फंदा के साथ ये पांच फंदा हम सीधा बुनेंगे। देखिए तीन चार और ये पांच, ये बीच का फंदा है, उससे पहले ये पांच सीधा फंदा बुनेंगे और जैसे
जैसे ये फूल हम बनाए थे उसी तरह फिर उसी टेक्निक को रिपीट करेंगे। यहाँ देखिए, इस फंदा को इस सिलाई पे डालेंगे और एक सीधा फंदा बुनेंगे। ये देखिए, चार फंदा निकालने के बाद ये पांचवा बीच का फंदा पहले बुन लेंगे, फिर उसी को रिपीट करेंगे। ये नौ फंदा फिर इस तरह से सिलाई घुमा लेंगे और इन नौ फंदा को एक साथ, ये देखिए 3, 6, 7, 8 और ये नौ फंदा एक साथ, हम इन 9 फंदा को एक साथ इस तरह से उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर सिलाई घुमा लेंगे इसे और इस फंदा को फिर से हम बुनेंगे सीधा फंदा। उसके बाद ये पांच फंदा है सीधा, इसे बुनेंगे। अंत में आखिरी का ये एक उल्टा फंदा है और ये सीधा। इसी तरह हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। नेक्स्ट सिलाई में फिर इसी क्रम को रिपीट करना है। यहाँ देखिए, ये 7 फंदा जो उल्टा हम बुने थे, अब यहाँ बीच में 7 फंदा उल्टा बुनेंगे और अब ये डिज़ाइन अब यहाँ बनेगा। ये बीच का एक सीधा फंदा है, ये उल्टा फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और ये जो सीधा फंदा है और इसे, इन दोनों फंदा को एक साथ ये सीधा फंदा उतार लेंगे, धागा आगे रहेगा और इसे बुनेंगे। उसके बाद इस फंदा को गिरा देंगे, धागा आगे करेंगे। अब देखिए, ये जो फंदा है इसे 7 फंदा को हम उल्टा बुनेंगे। ये 7 फंदा उल्टा हो गया, धागा पीछे करेंगे। अब इन दोनों फंदा को मिला करके एक सीधा फंदा, धागा आगे, एक सीधा फंदा, फिर धागा आगे, इन दोनों इसे उतारेंगे, बुनेंगे और इस तरह से फंदा को गिरा देंगे, फिर धागा आगे, ये 7 उल्टा, इस तरह ये डिज़ाइन अब यहाँ बनेगा। यहाँ देखिए, ये किनारे में अब ये आधा डिज़ाइन ही बनेगा इस तरह से, ये आधा डिज़ाइन ही बनेगा।
यहाँ चार फंदा जाली हम निकालेंगे और इस एक फंदा के साथ इसे बुन लेंगे। टेक्निक वही रहेगा जैसे ये बनाए थे, उसी तरह ये पांच फंदे के साथ ही हम ये चार जाली में से फंदा निकालेंगे और ये एक पांचवा फंदा, इन पांचों को मिला करके एक उल्टा फंदा बुनेंगे। इस तरह ये डिजाइन बन जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।